नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा किस्सा लेकर आए हैं जहां पर एक वर्ल्ड चैंपियन के ऊपर आरोप था कि उसने एक 17 साल की लड़की के साथ चीटिंग किया है। केस क्या था? पहले हम चलते हैं साल 1990। यहां पे हार्वर्ड में गैरी कास्परोव ने एक बात कही थी कि वुमेन और कंप्यूटर में मुझे पहले हराने वाला कंप्यूटर होगा। ये बात कुछ हद तक सही भी हुई आगे चल के, लेकिन बीच में सन 1994 एक 17 साल की लड़की, आप शायद पहचान भी गए होंगे देख के, ये थी जुदित पॉलगर। इनके साथ लिनारेस स्पेन में एक मैच हो रहा था। इस मैच में ऐसा क्या हो गया जो एक विश्व विजेता वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव और बहुत लोगों का मानना है कि द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर बीन ऑन अर्थ, अब तक के सबसे महानतम शतरंज के खिलाड़ी के नाम के ऊपर ये धब्बा लगा। और मैच ख़त्म होने के बाद कई न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग टाइटल देके इस खबर को छापा था। लंदन टाइम्स ने हेडलाइन दिया था, कास्परोव चीटेड, ओपोनेंट क्लेम्स। इस तरह अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग हेडलाइन दी थी, लेकिन 3 जुलाई 2000 को वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि गैस्परो ने वाकई चीटिंग की थी और उनकी ये करतूत स्पेनिश टीवी के कैमरे में कैद हो गई थी। एक मशहूर चेस ऑथर और एनएम टाइटल धारक हैं मैकन सबूत, उनका कहना है, फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट लेट अस स्टिपुलेट दैट कास्परो चीटेड प्लेन एंड सिंपल। इस तरह से द हिंदू ने भी लिखा था, जुदित जीत के बेहद करीब थी जब यह घटना हुई और वे हार गईं। इस तरह से बहुत सारी न्यूज़ आई। जुदित और कास्परोव एक ही होटल में रुके हुए थे। शाम को जब बार में होटल के बार में जब जुदित ने कास्परोव को देखा था, उस टाइम में एक तरह से ज़ोर से चिल्ला के कहा था कि आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद उन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला लगभग ख़त्म हो गया। इवन ऐसी दरार पड़ी कि ना वो आपस में कभी हाथ मिलाते थे और ना कभी बात करते थे। ये सिलसिला यूं ही सालों साल चलता रहा। इसके कई वर्षों बाद सन 2002 में एक गार्जियन में लेख छपी थी, स्वीट रिवेंज फॉर कास्परोव ओपोनेंट्स। इसमें लिखा हुआ था, गैरी कास्परोव द ऑल टाइम ग्रेट ऑफ चेस हैज़ नाउ बिन बिटन बाई अ वुमेन प्लेयर एज वेल एज अ कंप्यूटर। मतलब साफ था, गैरी कास्परोव कंप्यूटर से भी हार चुके थे और एक वुमेन चेस प्लेयर से भी। इसके बाद इन दोनों के बीचों में संबंध अच्छे हो गए और इनका संबंध लास्ट तक अच्छे ही रहे, परंतु बीच में जो हुआ ये एक बैड फेज था। इसके बारे में खुद कास्परोव का कहना है कि उनको ये आभास नहीं था कि उनके हाथ से ऐसा गलती हो गया है। और वो घटना क्या थी ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बात 1994 की है। लिनारस में, जो स्पेन में है, वहाँ एक चेस टूर्नामेंट हो रहा था, बहुत रेपुटेड चेस टूर्नामेंट था। उसमें एक पोजीशन आया, ये सामने पोजीशन आपकी बोर्ड पर दी हुई है, कार्पो ब्लैक से खेल रहे थे और उनकी बारी थी। उन्होंने नाइट को C5 पर उठा के रख दिया, लेकिन बहुत जल्दी से उसको उठाकर वापस F8 पर कर दिया। ये बहुत फास्ट हुआ था, इतना फास्ट कि जल्दी किसी की नज़र में ना आए। अगर ये नाइट को C5 पर रखते तो बिशप यहाँ आ जाता, बिशप C6 पर, जो कि एक प्रॉब्लम होती। इसलिए कास्परो ने यहाँ से C5 पर ना रख के F8 पर रखा नाइट। इसके बारे में जुदित का कहना है कि मैंने इसका उसी वक्त कंप्लेन नहीं किया, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, एक बड़ा सा टूर्नामेंट था, प्लस कास्परो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी थे और अगर मैं गलत होती तो मेरा टाइम कट जाता, टाइम में से फिर टाइम प्रेशर आ जाता। लेकिन फिर भी आगे चल के ये जुदित एक बहुत महान खिलाड़ी बनी, ग्रैंड मास्टर बनी और वोमेंस वर्ल्ड चैम्पियन बनी। इस तरह से उनसे बेहतर अभी तक कोई वुमेन खिलाड़ी नहीं हुई है, बहुत बड़ा नाम कमाया। एक और किस्सा हम नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे। उस किस्से में एक
वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर समुद्री यात्रा के दौरान एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो बहुतों को हरा रहा होता है। वर्ल्ड चैंपियन की शक्ल देख के कहता है, तुम्हें तो मैं बिना क्वीन से हरा दूंगा, और उसको वो बिना क्वीन से लगातार 3 बार हराता है। क्या होता है इसके बाद, क्या होती है घटना, कौन था वो वर्ल्ड चैंपियन और कौन था वो खिलाड़ी जो उसे शिप के डेक पर मिला था, ये जानने के लिए हमारा चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।